झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा के द्वारा जनपद पंचायत मेघनगर में मध्य प्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत कार्यों का निरीक्षण किया। ग्राम कचलदरा मेघनगर में माननीय विधायक वीर सिंह जी भूरिया भी उपस्थित थे। कलेक्टर मिश्रा ने मध्य प्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत मुनिया फलिया बाउंड्री वाल कचलदरा जिसकी लागत 4.80 लाख है का निरीक्षण किया एवं मुनिया फलिया चेक डैम कचलदरा जिसकी लागत 19.15 लाख है का भी जायजा लिया एवं निर्देश दिए कि यहां पर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करें जिससे यहां का जल शुद्ध भी हो। इसी तरह ग्राम कचलदरा ग्राम पंचायत प्राथमिक शाला बाउंड्री वाल जिसकी लागत 8.20 लाख है का निरीक्षण किया एवं यहां पर जो अव्यवस्था थी उसका तत्काल निराकरण तहसीलदार मेघनगर को करने के निर्देश दिए। स्कूल की बाउंड्री वाल तत्काल पूर्ण करें एवं आसपास के रहवासियों के लिए पृथक से व्यवस्थित रूप से निकासी की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्राम कचलदरा में बालक छात्रावास का निरीक्षण किया जिसकी लागत 14.63 लाख है, यहां पर व्यवस्था को सुधार करने के निर्देश दिए। ग्राम रामपुरा में भी मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी 108 लाख की निर्मित हो चुकी है, तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं कर पेयजल प्रदान करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पत्रा में भी मिशन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र का भी अवलोकन किया एवं ग्वाली ग्राम पंचायत में प्राथमिक माध्यमिक शाला बाउंड्री वाल जिसकी लागत 4.85 लाख है तत्काल पूर्ण करें एवं आवश्यक बाधाएं दूर करने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने ग्रामीणों से रूबरू चर्चा की जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं जो हितग्राही पलायन पर गए हैं उनसे संपर्क कर तत्काल आवास पूर्ण करें अन्यथा उनके आवास निरस्त करें और जो पात्र हो उन्हें दिया जाए। किसी भी स्थिति में राशि प्राप्त कर आवास नहीं बनाना एक गंभीर अनियमितता के रूप में लेकर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार मेघनगर श्री रविन्द्र चौहान, मध्य प्रदेश श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री अशोक पाटीदार, युवा सलाहकार सुश्री मोहिनी मौर्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर श्री अंतर सिंह डावर, उपयंत्री श्री अमित पटेल एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। ज्यादा बच्चे नहीं है, ज्यादा नहीं है तो अपने हेल्थ की टीम को बाइक दीजिए, लोगों को बुलवा के करवाओ, बचना कोई नहीं चाहिए। देखिए यही वजह है कि इस बार इतना फैला है, इसके बावजूद भी कोई भर्ती नहीं हुआ है, तो गंभीरता समझो दीदी। तो बाकी बच्चे जो हैं ठीक है, और एक वो फर्स्ट एड से क्या तुम्हारा स्टेटस है? ठीक नहीं है क्योंकि मैंने पूरे इसकी समीक्षा की है। मेघनगर का केवल 57% है, फर्स्ट उसमें 30% के आसपास है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है और स्टेड है। ये अब खाली सर, यहाँ पे सब पलायन अधिकतर रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं, तो वही पलायन भले ही है लेकिन उनका भी उनको फ़ोन से डाटा तो उनका शुरू करा, वही चेकअप नहीं होता, लेकिन फ़ोन से बात रही कि भाई यहाँ गर्भधारण हो रहा है, इनका नाम रजिस्टर हो जाए, बीच में जब आएंगे तुरंत उनका चेकअप कराएंगे, नहीं तो फिर टेंशन हो जाएगी ना।